कक्षा 10 एक्सरसाइज 9.1 इसका हम पांचवा प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। तो देखिए इसकी आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। यह है भूमि, मान लीजिए पतंग इस वक्त यहां है, तो यह पतंग का वर्टिकल डिस्टेंस आ गया धरती से। पतंग की जो डोर है उसको भूमि पर एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए ये डोर है, पतंग ऐसे उड़ रही होगी, मान लो है ना, जब भी आप पतंग उड़ाते हैं तो ऐसे तो नहीं सिर्फ उड़ाते हैं, तिरछी उड़ाते हैं। तो ये जो पतंग है ये तिरछी, यहां से लेकर यहां तक। अब ये क्या है पतंग की डोर, ठीक है। ये क्या है पतंग की डोर है, ये भूमि है, ये पतंग की हाइट है धरती से, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया धरती और पतंग की हाइट के बीच में। अब हम देखते हैं क्या क्या दिया होगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये भूमि से 60 मीटर ऊंची है पतंग इस वक्त, ठीक है। और इसके साथ पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि डोरी इनका झुकाव, यानी इनके बीच का जो कोण है यह 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी यह हमें डोरी की लंबाई निकालनी है। अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के राइट ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यह है हाइपोटेन्यूज, जो दिया हुआ है वो है परपेंडिकुलर, बेस की हमें जरूरत ही है तो हम लेंगे नहीं। त्रिभुज का एक नाम रख देते हैं त्रिभुज एबीसी। तो मैं सबसे पहले यहां लिखता हूं एनी ट्रायंगल एबीसी। मैंने आपको पहले भी बच्चों सिखाया है कि जो चीज निकालनी हो हमें यहां पे हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज को ऊपर रखो, जो चीज हमें दी हुई है परपेंडिकुलर उसको नीचे रखो। अब आप अपने आप से सोचो कि हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला होता है, कोसेकेंट का। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज होता है साइन, तो हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर उसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट। कोसेकेंट कितने डिग्री, कोण हमें दिया हुआ है 60। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, नहीं दिया, तो इसका नाम लिख दो एसी बटा परपेंडिकुलर 60 मीटर, मीटर भी है साथ में, बराबर कोसेकेंट 60 डिग्री। कोसेकेंट 60 होता है 2/√3। अगली लाइन में एसी बराबर 60 मीटर इसके साथ भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा रूट। तो ये देखिए 2 को 60 से गुना कर दो तो ये आ गया 120/√3 मीटर। अब हमें पता है कि हर में हम रूट नहीं छोड़ सकते, तो हम करेंगे हर का परिमेयकरण। यहाँ रूट 3 है तो हम इसको 120/√3 मीटर को ऊपर भी रूट 3 से गुना कर देंगे और नीचे भी रूट 3 से गुना कर देंगे। इसी प्रकार से हम इसकी हर का परिमेयकरण करेंगे। तो देखिए हमारे पास आ गया रूट 3 को रूट 3 से गुना कर दो 3, यहां आ गया 120 मीटर गुना रूट 3। यदि हम क्वेश्चन में देखें तो रूट 3 की कोई वैल्यू उन्होंने नहीं दी है, 3 से 120 कट जाएगा 40, तो हमारे पास आ गया एसी बराबर 40√3 मीटर। यदि आप ध्यान से देखें तो एसी क्या था, डोर की लंबाई हमसे पूछी गई है, डोर की लंबाई। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एसी बराबर 40√3, हम लिखेंगे डोर की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। बच्चों यहाँ पे एक चीज का ये भी ध्यान रखेंगे, यदि किसी प्रश्न में रूट 2 रूट 3 रूट 5 की वैल्यू दी हुई है तो आपको यहाँ पर उस रूट 3 की वैल्यू पुट करके इनको आपस में गुना करना पड़ेगा, लेकिन इस प्रश्न में ऐसा नहीं दिया था तो हम इसको यहीं पर अपने उत्तर को खत्म करते हैं। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है।